नमस्कार दोस्तों बात फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों नासा का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट विच वॉज साइक मिशन टू एस्ट्रॉइड अब डिले हो गया है बिकॉज ऑफ लेट सॉफ्टवेयर डिलीवरी नासा ने अनाउंस किया कि साइक मिशन जो कि नासा का पहला ऐसा मिशन था जिसको डिजाइन किया गया था मेटल रिच एस्ट्रॉइड को स्टडी करने के लिए अब अटेम्प्ट जो है लॉन्च का वो नहीं करेगा इन 2022 जो लेट डिलीवरी हुई है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर फ्लाइट सॉफ्टवेयर स्पेस क्राफ्ट फ्लाइट सॉफ्टवेयर है और टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो लेट डिलीवर हुए जिसकी वजह से नासा के पास अब इनफ टाइम नहीं है कि वो पूरी तरह से टेस्टिंग को कंप्लीट कर ले जो भी जरूरत होती है जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है बिफोर लॉन्चिंग द मिशन ठीक है कोई भी मिशन लॉन्च करने से पहले उसकी कंप्लीट टेस्टिंग होनी जरूरी है अब क्योंकि सॉफ्टवेयर या इक्विपमेंट्स काफी लेट डिलीवर हुए तो नासा के पास है शॉर्टेज ऑफ टाइम जिसकी वजह से जो मिशन पहले अक्टूबर दो uh, ग्यारह अक्टूबर 2022 को लॉन्च होना था वो डिले हो गया है क्या होंगी इसकी फ्यूचर लॉन्च डेट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे एस्ट्रॉइड का जो साइक मिशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मिशन किस उद्देश्य से क्या गोल्स या ऑब्जेक्टिव हैं मिशन के इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए आप मुझे मुझेडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और के लिए दोस्तों, आपको करना होगा मेरे आपको मिलेगी आई एल बी देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू इन योर प्रिपरेशन टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे जिसमें मैं आपको वीकली फोर्ट नाइटली टारगेट भी प्रोवाइड करूंगी अभी फिलहाल आपको मिल रहा है ट्वेंटी परसेंट का ऑफ आपके सभी UPSC, पर यू कैन सी आप तेरह हजार से पैंतीस हजार तक सेव कर सकते हैं अगर आप एनरोल करते हैं अभी अन अकेडमी प्लस आइकॉनिक किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड रेंडी लाइफ टेन ऑफर केवल तीस जून तक है चलिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग साइक मिशन वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज एन एस्ट्रॉइड तो एस्ट्रॉइड क्या है वो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं मतलब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ठीक है जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम में वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं एस्ट्रॉइड भी लगाते हैं तो डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि एस्ट्रॉइड्स दी प्लैनेट्स तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें काफी सारे एस्ट्रॉइड हैं और अधिकतर इनकी अगर लोकेशन की बात करूँ तो ये मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं विच इज द रीजन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर तो मार्स और जुपिटर के बीच का जो रीजन है इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो जगह बचती है वहां पर अधिकतर एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं अगर मैं साइक की बात करूं तो इसकी सबसे पहली बार डिस्कवरी जो हुई थी 17 मार्च 19, सॉरी uh, 1852 में हुई थी टाइप की बात एस्ट्रॉइड अलग अलग तरह के होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर मतलब मेकिंग किस तरह के वो हैं ठीक है तो ये एम टाइप का एस्ट्रॉइड है एम टाइप एस्ट्रॉइड बेसिकली अरेस्पेक्ट्रल क्लास ऑफ एस्ट्रॉइड अगर इसके डायमीटर की बात करें तो वन फोर्टी माइल टू ट्वेंटी तो पांच अर्थ ईयर इसका ऑर्बिटल पीरियड है अराउंड की बात करें तो 4.196 पॉइंट वन नाइन सिक्स आवर्स लेंथ ऑफ डे है, तो है यहां पर अगर कंपेयर कर कंपैरिजन के लिए नाउ जो साइक मिशन है इसके बारे में बात करते हैं तो मिशन था ये एक तरह से जर्नी थी टू तो अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉइड एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड की के लिए ये स्टार्ट किया गया था जो सन को ऑर्बिट कर रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड है ये नाउ एस्ट्रॉइड साइक यूनिक कैसे है बिकॉज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अपीयर किया जाता है कि ये

कर रहा है जिसके लिए मिशन लॉन्च भी किया जाना है इन टू हिस्ट्री ऑफ कोलिजन कैसे बिग बैंग हुआ कैसे the planets, the terrestrial planets were formed, कैसे सारा evolution हुआ, उसको जानने में महत्वपूर्ण की तरह ये हमें दिख रहा है अगर मिशन के गोल्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं एज पर नासा टू अंडरस्टैंड अ प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ planet फॉर्मेशन अभी तक जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है बिल्डिंग ब्लॉक हमारे

एक्सप्लोर करना एक नए टाइप ऑफ वर्ल्ड को एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करना जिसमें पहली बार एग्जामिन किया जाएगा वर्ल्ड मेड ऑफ नॉट रॉक एंड आइस पत्थर और आइस का बना हुआ वर्ल्ड नहीं एक्सप्लोर करे बट मेटल मेटल से बना हुआ अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से पहुंचते हैं यहां पर और इसको एक्सप्लोर करते हैं तो ये सब चीजें इसके उद्देश्य होंगे गोल्स होंगे अगर इसके ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं दोस्तों तो एक्सक्यूज मी ऑब्जेक्टिव आर टू डिटरमाइन वेदर साइक इज अ कोर और इट इज अनमेल्टेड मटीरियल क्या ये कोर है या फिर कोई अनमेल्टेड मटीरियल है ये ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करना कि जो रिलेटिव एजेस हैं अलग अलग रीजन के साइक के सरफेस के उनको डिटरमाइन करना साथ में डिटरमाइन करना वेदर स्मॉल मेटल बॉडीज इनकॉर्पोरेट द सेम लाइट एलिमेंट एज आर एक्सपेक्टेड इन दर्थ हाई प्रेशर को जो इस तरह की बॉडीज है मेटल बॉडीज है स्मॉल मेटल बॉडीज

उद्देश्य में से है अब डिले की अगर बात करें जो डिले हुआ है तो देखिए कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो एक पूरा कंप्लीट थरो चेक होता है उसका टेस्टिंग टेस्टिंग होती है उसकी तो जब मिशन की की टीम ने शुरू की सिस्टम की तो एक कंपैटिबिलिटी इशू देखा गया विद इन द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयरिटर जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई कि भाई ये तो नहीं प्रॉपर हो रहा है मतलब कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है मे में नासा ने शिफ्ट कर दिया मिशन का टारगेटेड लॉन्च डेट फ्रॉम फर्स्ट ऑगस्ट पहले एक ऑगस्ट थी इसको कहा गया अगस्त अगस्त और सितंबर सितंबर के के बाद अभी है। मतलब 1 से 20 के बीच में नहीं होगा लॉन्च उसके बाद होगा ठीक है टू अकोमोडेट द वर्क दैट वाज नीडेड जो भी चेंजेस लाने की जरूरत है जो भी अपडेट्स करने की जरूरत है जो भी चेंज इन दी सॉफ्टवेयर लाने की जरूरत है उसके लिए पीरियड रखा गया ना अब इश्यू तो करेक्ट हो गया है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब फिशेंट टाइम नहीं है टू कंप्लीट अ फुल चेकआउट ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर अ लॉन्च दिस ईयर जो इश्यूज थे उनको रिजोल्व कर लिया गया लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अगर हम लॉन्च करना चाहें अक्टूबर में तो उससे पहले सारी टेस्टिंग जो है ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द यू नो इक्विपमेंट्स वो कर ली जाए तो जिस वजह से ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से डिले हो गया है यहां मैं आपको बता दू क्यों ये असेंशियल है देखिए जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी फ्लाइट के सॉफ्टवेयर होते हैं इक्विपमेंट होते हैं है. ये असेंशियल होते हैं स्पेस गाइडेंस नेविगेशन एंड फ्लाइट सॉफ्टवेयर ये क्रूशल हैं क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं स्पेस क्राफ्ट की ओरिएंटेशन जैसे वो स्पेस के थ्रू फ्लाई करती है उसके बाद ये इस्तेमाल किए जाते हैं इट इज इट विल विल बी यूज टू पॉइंट द स्पेस क्राफ्ट एंटीना ऑल्सो मतलब एंटीना को भी काम करने में मदद करते हैं सॉफ्टवेयर जो अर्थ की तरफ होना चाहिए बिकॉज वहीं से तो सारी इंफॉर्मेशन या डेटा हमारे पास आएगा है ना एंड इट कैन रिसीव द कमांड्स दल्सो डेटा सेंड करना और रिसीव करना कमांड्स को वो सब भी एंटीना के द्वारा होता है जो कि काम किया जाता है गाइडेंस नेविगेशन फ्लाइट सॉफ्टवेयर के द्वारा ये प्रॉब्लम है अगर ये नहीं ठीक से चेक किए गए हैं सही नहीं है तो ये इशू आएगा साथ में इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेजेक्ट्री इंफॉर्मेशन टू द स्पेस क्राफ्ट सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इसके द्वारा ही जो स्पेस क्राफ्ट का सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है उसको ट्रेजेक्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो शुरू होता है सत्तर दिन बाद आफ्टर दी लॉन्च तो ऐसी स्थिति में अगर स्पेस क्राफ्ट के सॉफ्टवेयर में कंपैटिबिलिटी इशू है इक्विपमेंट्स में इशू है जिसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया गया तो लॉन्च नहीं किया जा सकता ये मुख्य कारण रहा अब अगर मिशन अभी लॉन्च हो जाता यानी कि ग्यारह अक्टूबर को लॉन्च हो जाता तो ये उम्मीद की जा रही थी कि स्पेस क्राफ्ट अराइव करता एस्ट्रॉइड साइक पेन ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार छब्बीस तक ये साइक पर पहुंच जाता नाउ बिकॉज ऑफ दी डिले और इसकी पॉसिबल लॉन्च पीरियड अब क्या होंगे या तो दो हजार तेईस होगा या दो हजार चौबीस होगा बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना आपने मिशन मंगल जरूर देखी होगी सबने जिसमें आपको पता है ना कि कैसे हम जब लॉन्च करते हैं तो वी हैव टू सी द पोजिशनिंग अर्थ की और एस्ट्रॉइड की क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दी सन तो दोनों की पोजिशनिंग शुड बी सेट सच सो दैट द टाइम बहुत ज्यादा ना लगे है ना बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है तो बट द रिलेटिव ऑर्बिटल पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड ड्यूरिंग टाइम्स वुड दैट एस्ट्रॉइड क्राफ्ट वुड ओनली अराइव बाईन थर्टी नाइन मतलब अगर बाईस में जा रहा है तो छब्बीस में पहुंच रहा है तेईस तो में जाएगा तो ट्वेंटी नाइन चौबीस में जाएगा तो थर्टी नाइन में रेस्पेक्टिवली पहुंचेगा कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन वाई बिकॉज अभी जो पोजिशनिंग है वो जिसमें साल लग रहे थे लगभग है ना लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है एग्जैक्ट डेट ऑफ द पोटेंशियल लॉन्च पीरियड आर स्टिल टू बी डिटरमाइंड अभी भी अगर एग्जैक्ट डेट्स की मैं बात करूं तो अभी तक वो डिटरमाइन नहीं की गई हैं वी हैव टू वेट फॉर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द सेम होपफुली जल्दी ही कोई ना कुछ डेट हमारे पास आ जाएगी लेट्स सी व्हाट हैपेंस सो गाइस दैट वाज इट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड यूपीएससी सी एस टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है प्लेटफॉर्म पे टेस्ट सीरीज मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा इंडी लाइफ टाइम दोस्तों एन अकेडमी ने अनाउंस किया मेन्स मेन्टोरशिप प्रोग्राम इस क्यू कोड के द्वारा एनरोल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको प्लस प्रोड्यूसिंग ईयर लोनिलिटीबल आई ये भी आप अवेल कर सकते हैं ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं आठ टॉप ऑप्शन पांच जून से अभी एनरोल कीजिएसेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है नए बैचेस हमारे ट्वेंटी जून से शुरू हो रहे हैं यानी कल से शुरू हो रहे हैं सॉरी आज से ही शुरू हो रहे हैं आज ही से शुरू हो रहे हैं तो अभी जाके एनरोल कीजिए क्योंकि अभी आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है दैट्स इट फ्रॉम माय साइड होप यू लाइक द लेसन आपको सेशन पसंद आया होगा कुछ क्लैरिटी हुई होगी बॉउ साइक मिशन सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेलाइकन को हिट करना ना भूलें सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू सो मच टेक केयर